ताइक्वांडो से हाइट बढ़ती है क्या एज 21 एंड गर्ल? देखिए ताइक्वांडो से हाइट बढ़ती है क्या एज 21 एंड गर्ल? थिंक पिल, स्लीपिंग स्ट्रेच, ये आप YouTube के सर्च में डालोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो में मैंने बताया है कि कौन से स्ट्रेचेस आपको करने हैं जस्ट बिफोर स्लीपिंग, तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ताइक्वांडो और एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स, ये जनरली अगर आप इससे बहुत अच्छे एक्चुअली माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं, तो येस अगर किसी चीज़ का मतलब किसी को अगर माइक्रो फ्रैक्चर करने में इंटरेस्ट है तो वो मार्शल आर्ट्स ले सकता है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ मार्शल आर्ट्स करने से माइक्रो फ्रैक्चर सफिशेंटली क्रिएट नहीं होते। मार्शल आर्ट्स के साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है 3 से 4 बार, एंड आपको उसके साथ साथ 3 to 4 times a week आपको या तो स्प्रिंटिंग करना है फॉर माइक्रो फ्रैक्चर या फिर स्किपिंग करना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्सरसाइजेस आप करते हो तो उसके बाद आपका माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करके आप 20 या 21 के बाद आपकी हाइट इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही विगरस और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। तो अगेन मैं बताती हूँ, अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है या किसी भी तरह की आपको इंजरी है, तो प्लीज़ माइक्रो फ्रैक्चर मेथड ट्राई मत कीजिए। इससे आपके हड्डियों को इररिवर्सिबल डैमेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। यस, ताइक्वांडो या किसी भी तरह का मार्शल आर्ट्स, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप मार्शल आर्ट्स किसी कोई भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स आप करते हो तो उसके साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग को आप सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्ट्रेचिंग आपको प्रॉपरली करना है 3 to 4 times a day, एटलीस्ट 25 to 30 minutes ऑफ स्ट्रेचिंग 3 to 4 times a day आपको करना है, स्पेशली जस्ट बिफोर स्लीपिंग। मैंने एक वीडियो बनाया है स्लीपिंग स्ट्रेच वाला वीडियो, तो उस वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि रात को जस्ट सोने से पहले आपको कौन से स्ट्रेचेस करने हैं 20 मिनट के लिए। तो वो स्ट्रेचेस अगर आप करते हो तो उसमें मैंने देखा है पेशेंट्स को मैक्सिमम हाइट इंक्रीज के बेनिफिट मिलते हैं, स्पेशली स्पाइन स्ट्रेच वगैरह होती है। आपको सिर्फ यूट्यूब के सर्च में डालना है, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ चैट में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है mumbailab2020@gmail.com, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।